बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव महमूदपुर तिगरी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 16 किलोमीटर और ब्लॉक से इसकी दूरी केवल 4 किलोमीटर है। 3500 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती जायदा बेगम ने अपने हाथों में संभाल रखी है। इन्होंने 4 वर्ष में कितना विकास इस गाँव में कराया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी है, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के महमूदपुर तिगरी गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाए जा चुके हैं जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे, तो चलते हैं प्रधानपति के पास। जी टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम? जी प्रधान, यहाँ आपकी पत्नी है। जी आप प्रधानपति हैं, यहाँ 4 साल इनके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास यहाँ गांव में आपने कराए? काफी रास्ते कराए, आवास बनवाए, समझे, काफी कुछ काम किया है और बहुत भाईचारे के साथ में किया, बहुत अच्छे काम किया है। जी मौके वारदात तो हुए पड़े हैं, वो देख सकता है। सड़क निर्माण वगैरह आपने यहाँ करवाया? काफी कराए, यहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को, जो मुफ्त में बिजली कनेक्शन और गैस कनेक्शन हुए हैं? काफी हुए हैं, ये करवाए गए हैं। हाँ, करवाए गए हैं, मुफ्त में बिल्कुल कनेक्शन हुए हैं, मुफ्त में सिलेंडर मिला है। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? करीबन ऐसे मान लीजिए 6000 रुपए के वाले ये सम्मान निधि के जो काशगार के थे ये भी आए हैं। किसी के में मतलब रह गया कोई आदमी, बाकी आ भी चुके हैं काफी पैसे लोगों के पास। स्कूल पर भी कुछ काम करवाए हैं? स्कूल पर तो चमन हुए पड़े हैं, स्कूल तो पानी भी रिश्ता, टंकी वगैरह ये चीजें सब चीज लगवा दी, नीचे टैल लिखवा दिया, फर्श करा दिया, काफी अच्छा काम, मतलब काफी अच्छा काम है। मौके वारदात पे स्कूल ये पड़ा सामने मैन रोड पर, देख सकते हैं जी, वो तो हम देखेंगे अभी क्या क्या वहाँ पर हुआ है, सब कुछ हुआ है। यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में स्कूल के अलावा सरकारी बिल्डिंग में से क्या है? बारात घर है? नहीं बारात घर नहीं, पंचायत घर है। पंचायत घर भी, आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है। अस्पताल? अस्पताल है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से पीपल थाने के पास है, भोजपुर के पास। जी तो द्वारा जो भी काम हो रहा है बेहतर ही हो रहे हैं। अब अपने गांव के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या कोई समस्या गांव में ऐसी है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से आपके गांव में समस्या के लिए ध्यान दे, उसका समाधान करने के लिए? ऐसी समस्या हमारे गांव के लिए जैसे यह कोई पंचायत भवन है, पंचायत घर, पंचायत घर के लिए आप यहाँ ये चीजें हो जानी चाहिए तो और बेहतर काम रहेगा, समझे। जी ग्राम सभा की जगह में ये चीजें बन जाएंगी, इसका पैसा सरकार देगी जल्दी। जी जी सरकार ही यहाँ पर जो है इन चीज़ों का निर्माण करवाएगी, सरकार करेगी तो जाएगा काम। जैसा कि आपने देखा प्रधानपति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे कि सड़क निर्माण, सीसी कार्य, आवास भी यहाँ दिलवाए गए हैं, शौचालय से भी ये गाँव पूरी तरह से ODF हो चुका है। अब यहाँ पर सरकार से जो प्रमुख मांग प्रधान रखते हैं वो बारात घर और पंचायत घर को लेकर रखते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बारात घर पंचायत घर इस ग्राम पंचायत में नहीं है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा इंद्रेश कुमारी। इंद्रेश कुमारी जी आप यहाँ कितने साल से इंचार्ज हैं इस स्कूल में? मैं इंचार्ज 3 साल से हूँ यहाँ। 3 साल से हैं, क्या आपके जिस वक्त आप यहाँ पर ज्वाइन हुई थी उस वक्त हालत ऐसी ही थी इस स्कूल की, ऐसे ज़्यादा खराब? नहीं, बहुत ज़्यादा खराब थी, पानी भरा रहता था, मिट्टी रहती थी, ज़्यादा हालत खराब थी। अब यहाँ की हालत कैसी है? अब ठीक है, यहाँ पे प्रधान जी ने हमारे यहाँ टाइल्स बिछवा दी है, यहाँ की स्थिति पहले से ठीक है। प्रधान जी ने स्कूल में काम करवाया है? हाँ करवाया है जी, ये टाइल्स बिछवाई है, भराव डलवाया है पहले, उसके बाद टाइल्स बिछवाया, फिर बाहर इधर ये चौतरा डलवाया है, एक आंगनबाड़ी बनवाया है यहाँ पे, नल ठीक कराया है, काफी काम यहाँ प्रधान जी द्वारा करवाया गया। हाँ हो गया है।